दिल्ली में मर चुकी है इंसानियत। यूं तो दिल्ली पुलिस के दामन पर लापरवाही के कई दाग लगे हुए हैं और एक बार फिर से दाग लग जाना भी कोई नई बात नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से पुलिस की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला है खजूरी खास का। पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करना तो दूर, केस तक दर्ज नहीं किया, और केस दर्ज किया तो जिसने ये मामला दर्ज कराया उसे ही गलत साबित कर दिया। पूरा मामला क्या है जरा इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में मर चुकी है इंसानियत। दिल्ली पुलिस का लापरवाह रवैया, कानून के रखवाले ही उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां। दिल्ली पुलिस की लापरवाही कब तक? दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, ये बात हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? नहीं तो हम आपको बताते हैं वो वजह है जिसकी वजह से दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली में लड़कियों के सुरक्षित न होने की सबसे बड़ी वजह दिल्ली पुलिस है। चौंक गए ना वजह जानकर? शायद आप यकीन भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये सही है। दिल्ली पुलिस अपनी लापरवाही किसी आम लड़की के साथ रखती रही है, ये तो कई बार सुना है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की सारी हदें पार की हैं। सुदर्शन न्यूज की महिला पत्रकार के केस में हुआ यूं कि 5 सितंबर की शाम करीब 6:30 बजे सुदर्शन न्यूज की पत्रकार अपनी स्कूटी से अपनी एक मित्र के साथ दिल्ली से नोएडा अपने घर लौट रही थी। लौटते वक्त कुछ आवारा लड़कों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारने की कोशिश की, जिसमें दोनों लड़कियां गिरने से बाल बाल बची। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब गाड़ी से उतरकर लड़कों ने लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया। लड़के स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थे। उस स्विफ्ट डिजायर कार जिसका नंबर UP14CQ4558 है। इस स्विफ्ट डिजायर कार के मालिक का नाम उदयवीर सिंह है। उदयवीर सिंह अंकुर विहार लोनी गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि एक नहीं दो नहीं करीब 4 से 5 लोगों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया। इतना ही नहीं, दोनों लड़कियों को जान से मारने के साथ साथ माँ बहन की गंदी गंदी गालियां भी दी। धमकाया, लड़की हो लड़की की औकात में रहो। लड़कियां काफी डर गई, लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद सभी लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मानो कोई तमाशा चल रहा हो, लेकिन किसी ने भी उन लड़कियों को बचाने की कोशिश नहीं की। इससे पता चलता है कि इंसानियत किस हद तक मर चुकी है। वहां खड़े हर व्यक्ति ने मानवता को शर्मसार कर दिया। ये घटना खजूरी मोड़ दिल्ली की है, जहां रात में भी दिन रहता है, लेकिन ये घटना उस समय की है जब सूरज की किरणें दिल्ली को चकाचौंध कर रही थी। बावजूद इसके आवारा लड़कों की इतनी हिम्मत तो देखिए कि लड़कियों को गाली देने के साथ साथ लड़कियों को उठा ले जाने की भी धमकी दे रहे थे। ये घटना उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लड़कियों पर उंगलियां उठाते हैं कि लड़कियां रात में बाहर निकलती हैं, इसलिए उनके साथ छेड़छाड़ होती है। लेकिन ये घटना तो शाम की ही है और लड़कियों ने कपड़े भी साधारण पहने थे। इस घटना के बाद जब लड़कियां पुलिस में शिकायत देने खजूरी खास गई, वहां जाकर पता चलता है कि 100 नंबर पर सूचना देने के बावजूद भी थाने में रजिस्टर में कोई शिकायत नहीं थी। DCP ईस्ट शशांक जायसवाल से पीड़िता ने फोन पर बात की, तब जाकर SHO साहब पीड़िता से मिलते हैं और पूरी घटना का विवरण जानते हैं। पीड़िता के मुताबिक पूछताछ के दौरान पीड़िता को ऐसा लग रहा था कि मानो पीड़िता खुद आरोपी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो पत्रकार दिख रही है वो एक महिला पत्रकार होने के साथ साथ पीड़िता भी है। जी हाँ, दिल्ली में महिलाओं के साथ, औरतों के साथ छेड़छाड़, उनसे बदतमीजी करने के मामले तो आए दिन दिखते रहते हैं, लेकिन जब यही मामला एक महिला पत्रकार के साथ होता है तब क्या होता है, ये आज हम आपको लाइव बताएंगे। जी हाँ, मामला बेहद ही गंभीर है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर। क्या थी पूरी घटना ये तो आपने रिपोर्ट में देखी होगी, लेकिन इसके बाद भी है कुछ जो बेहद ही गंभीर और सोचने योग्य है। जी हाँ, घटना के बाद जब मैं पीड़िता पुलिस स्टेशन इसकी खबर लिखवाने जाती हूँ तो पता चलता है मेरे 100 नंबर पर कॉल करने के बाद भी थाने पर
100 नंबर की तरफ से कोई कंप्लेन रजिस्टर में लिखी ही नहीं जाती है। बहुत घंटे बिताने के बाद, रजिस्टर छानने के बाद भी कंप्लेन उन्हें नहीं मिलती, तब जाके मैं डीसीपी ईस्ट मिस्टर शशांक जी को कॉल करती हूँ और उनके रेफरेंस के बुनियाद पर एसएचओ साहब, जो कि दिल्ली खास में बैठते हैं, नाम है उनका योगेश मल्होत्रा जी, वो मुझसे मिलने का कष्ट करते हैं और पूरा विवरण जानते हैं, और विवरण भी ऐसे जानते हैं मानो कि मैं खुद अपराधी हूँ। अगर एसएचओ साहब यही तकलीफ किसी गुनहगार को पकड़ने में करते तो शायद आज वो मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होता। क्योंकि पूछताछ ही ऐसी हो रही थी, पूरे 4 घंटे बिताने के बाद कहा जाता है कि नेट में दिक्कत होने के कारण एफआईआर सबमिट नहीं हो रही है, कल फिर थाने आना। लेकिन घटना के तीसरे दिन पीड़िता ने हेड कांस्टेबल अवनीश को फोन किया, तब एफआईआर नहीं एनसीआर की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर कर दी गई। मैं लिखित में अपनी पूरी कंप्लेन देती हूँ एफआईआर दर्ज करने के लिए। घंटों बैठने के बाद मैक्सिमम 4 घंटे मैंने थाना में बिताए, उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि नेट प्रॉब्लम है, आज आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो सकेगी। मेरे वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन यानी कि 6 तारीख को जब मैं हेड कांस्टेबल मिस्टर अवनीश जी से बात करती हूँ तो वो बताते हैं कि मेरी रिपोर्ट ले ली गई है और व्हाट्सएप पे मुझे वो रिपोर्ट भेजी जाती है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद पता चलता है मेरी रिपोर्ट एफआईआर में नहीं बल्कि एनसीआर में ली जाती है, जिसका मतलब है गैर संज्ञेय अपराध। ये है वो रिपोर्ट एनसीआर जो कि हेड कांस्टेबल अवनीश जी मुझे व्हाट्सएप करते हैं। इंसानियत तो दिल्ली में मर ही चुकी है, लेकिन महिलाएं किस हद तक दिल्ली में प्रताड़ित हो रही हैं, हर गली में, हर चौक चौराहे पर लड़कियों के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की जाती है, ये कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। और आपने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस की यहाँ बड़ी लापरवाही है, पर ये लापरवाही यहीं थम जाती तो भी बहुत था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एसएचओ साहब ने केस ही पलट दिया। जिन कानूनी धाराओं पर केस होना था उनमें से 2 धाराएं एसएचओ साहब ने लगाई ही नहीं। देखिए वो धाराएं क्या है, मैं बताती हूँ क्या होती है ये गैर संज्ञेय अपराध रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जो होती है सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर की जाती है और सेक्शन 155 के तहत एनसीआर रिपोर्ट की जाती है। इसके तहत फौरन गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, लेकिन रिपोर्ट तो की एनसीआर में, इस बात की मुझे खबर तक नहीं थी। और रिपोर्ट में भी 2 धाराएं कम लगाई गई। जी हाँ, आपने सही सुना, रिपोर्ट में भी 2 धाराएं कम लगाई गई थी। मेरी एनसीआर रिपोर्ट सेक्शन 506 आईपीसी के तहत लिखी गई, जबकि अपराध 3 थे, स्टॉप, थ्रेटन और एब्यूस्ड के। लेकिन एसएचओ साहब ने सिर्फ थ्रेटन यानी कि सेक्शन 506 आईपीसी के तहत ही मेरी रिपोर्ट लिखी। 504 एपीसी के तहत एब्यूस्ड के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है और 506 एपीसी की तरफ थ्रेटन के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाती है। वहीं 341 आईपीसी यानी कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती बीच रास्ते आपका रास्ता रोकता है और आपको धमकाता है तो उसके इस धारा के तहत रिपोर्ट लिखी जाती है। और 341 आईपीसी संज्ञेय अपराध है जिसमें फौरन गिरफ्तारी के प्रावधान है, लेकिन ये रिपोर्ट एसएचओ साहब लिखते ही नहीं है, क्यों? अब इसी का जवाब लेने के लिए आज मैं कैमरे के सामने खड़ी हूँ। और यहाँ तक कि 5 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक मुझे यही कहा जा रहा है मेरे बार बार फ़ोन करने पर कि जैसे ही कैब नंबर के द्वारा एड्रेस निकलता है हम उनको नोटिस भेजेंगे, उनको थाने बुलाएंगे, फिर कार्रवाई करेंगे, यही कह के टरकाया जा रहा था। लेकिन कल मेरे फ़ोन करने पर हेड कांस्टेबल अवनीश कहते हैं कि एसएचओ साहब यानी कि योगेश मल्होत्रा जी ने कहा है कि पीड़िता को एड्रेस दे दिया जाए और पीड़िता खुद कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस दर्ज करे। यानी कि पुलिस की कार्रवाई के बिना ही पीड़िता पहले कोर्ट पहुँच जाए उसके बाद कार्रवाई हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
जब एक महिला पत्रकार को इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है तो सोचिए जरा आम जनता, आम लड़की, आम औरतें किस तरीके से इस परेशानी से जूझती होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। यहीं पे केंद्र सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार शहरों के पुलिस थानों में किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने वाले रखवालों की सफाई कर। तो ना सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हैरत में डालने वाला भी है कि एक महिला पत्रकार जो दिन में ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संकुचित मानसिकता के लोग होते हैं जो समय के हिसाब से लड़कियों की सुरक्षा निर्धारित करते हैं, बावजूद इसके महिलाएं सुरक्षित नहीं है। योगेश जी हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। योगेश जी, एक महिला पत्रकार जो कि ईव टीजिंग की शिकार हुई, बार बार आपसे गुहार लगा रही है, न्याय कब मिलेगा? ये फोन कट गया है या काट दिया गया है, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से मैं कहूंगी हमारी टीम से कि दोबारा से योगेश जी को फोन लगाया जाए ताकि जनता सुने और समझे कि आखिरकार कानून काम कैसे करता है। इंतजार करते हैं आप लोग कि कब किसी महिला का रेप हो तब हम कार्रवाई करें, क्योंकि जब कोई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर महिलाएं जाती है तो उस पर तो संज्ञान लिया नहीं जाता। ये सुन सकते हैं आप, फोन की बेल जा रही है। योगेश जी देखिए फोन उठा रहे हैं, काट रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगी हमारी टीम से कि फोन लगाएं योगेश जी को। और हमारे दर्शक जरा ध्यान से सुने, बेल जा रही है। योगेश मल्होत्रा जी जो कि SHO हैं खजूरी खास पुलिस स्टेशन दिल्ली के, और देखिए जो अवनीश हैं जो हेड कांस्टेबल हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और सुनाएंगे अपने दर्शकों को कि आखिरकार योगेश जी से हमारी क्या बात हुई, बशर्ते वो बात तो करें, वो हमारे सवालों को सुनने की हिम्मत तो करें। लेकिन हम आपको अभी सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें पीड़िता ने शशांक जायसवाल जी को फोन किया था जो कि DCP हैं ईस्ट दिल्ली के, उन्होंने बड़ी नम्रता से FIR लिखवाने की सलाह दी थी। क्योंकि हाँ, उनको तो जो आपको फोन कर रहे हैं उनको तो शायद नहीं पता ना कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, किससे पूछेंगे वो? नहीं वो तो मैंने कंप्लेंट दी ना उनको। मैम कंप्लेंट ऐसे नहीं होता मैम, दैट्स FIR लेने के लिए। अब क्या है कि हम मना अक्यूज भी पकड़ना है तो आप पहचानेंगे ना कि सर यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। मैम जान रहा हूँ आप बहुत व्यस्त है, अक्यूज अगर पकड़ना है आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, छेड़छाड़ हुई, तो हमें मुकदमा देना ही देना है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मुकदमा ना दें। एक मिनट, कुछ टाइम के लिए आपको जैसे बयान होता है जो प्रोसीजर होता है मैं आपको वो बताऊं। बयान के लिए IO आपके पास आके आपका बयान ले लेगा जिसकी बेसिस पे FIR होगी। फिर उसमें ये भी होगा भाई कौन थे, किस तरह का खुलिया था, कौन लोग थे, वहाँ पे CCTV है कि नहीं, आप पहचानेंगे तो सही ना। हाँ, आप निकल गए चीज में, अगर इस समय अभी भी आप थाने आ जाते, क्योंकि 100 नंबर पे केवल इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है ये हुआ है। एक्चुअल में उसका 100 नंबर अलग होता है, मैं आपको बता देता हूँ। 100 नंबर का एक अलग जो पूरा वो है कि वो PCR वैन आती है। अब उसके साथ एक IO भी मौके पे आता है, इसलिए आपको 2 दिन कॉलेज 100 नंबर से भी आया होगा कि आप कहाँ पे हैं। एकदम पहला तो इंसिडेंस ही होता है ना कि एकदम हम जाके बचाएंगे, एकदम पता नहीं क्या हो रहा है जी, है ना। दूसरा होता है कि जो थाने से एक IO आता है इसलिए वो आपको कॉल कर रहा होगा, शायद उसने बोला भी होगा मैडम आप कहाँ पे, हम आ जाते हैं या आप आ जाए। नहीं मैंने उनको बता दिया मैं नोएडा में रहती हूँ, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? तो शशांक जी जिन्होंने गाइडलाइन दी, जिन्होंने समझाया कि कैसे कानून आगे काम करता है, लेकिन कानून काम करे तब ना, जो ये जो गाइडलाइन दी जा रही है इस प्रोसेस से जब तक हम गुजर रहे हैं तब तक इतनी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, क्या कोई लड़की हिम्मत कर पाएगी? ईव टीजिंग को लेकर आवाज नहीं उठाई जाती, यही वजह है कि अगले दिन रेप हो जाता है। अब हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें पीड़िता ने अवनीश जी को जो कि हेड कांस्टेबल हैं खजूरी खास दिल्ली के, उनसे बात की, पर यह जानने के लिए FIR की कॉपी कब मिलेगी और आगे कार्रवाई का क्या स्टेटस है, उन्होंने क्या जवाब दिया, इस ऑडियो में सुनिए। हेलो, हाँ अवनीश जी, रश्मि बात कर रही हूँ। हाँ जी रश्मि जी, हाँ वो मेरे केस का क्या हुआ? मैडम ओनरशिप मंगा रखे का जवाब भेज रखा है, वो आज लेकर आएगा। आज लेके आएंगे?
हाँ बताया था ना मैंने आपको, तो मैं तो नाइट ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी करके आया था मैं। अच्छा तो फिर इस चीज को कब तक ये लेंगे, क्योंकि देखिए हमें भी, फिर मैं अपने तरीके से, फिर अगर नहीं हो पा रहा तो बताइएगा, मैं अपने तरीके से फिर उसे उठाऊं। नहीं मैडम हो क्यों नहीं पा रहा, हो रहा है इसमें ना होने में क्या है। अच्छा। वो ओनरशिप तो ऑफिशियल तो मिलेगी ना, ऑफिशियल तरीके से मिलती है वो। चलिए ठीक है, तो कल बताएंगे ना आपसे। कल कल बता देंगे। ठीक, कल 1:30 बजे तक मैं आपको कल बता दूँ। जी जी। हेलो, हाँ अवनीश जी। हाँ जी, हाँ जी रश्मि बात कर रही हूँ। जी हाँ जी, क्या हुआ आगे? वो ओनरशिप मसले है और लड़का ले साल गई बात। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? लड़की ओनरशिप मंगाई थी, आज बात कर चुके हैं। आपकी बात समझ नहीं आ रही है। गाड़ी जो अपने गाड़ी का नंबर दिया था ना, हाँ हाँ, मंगाई है आज फैजाबाद से, वो आ गया लड़का थाने में। अच्छा। अभी मैं थाने में नहीं जाऊंगा, उसको रिसीव करूंगा, फिर उनको नोटिस भिजवाऊंगा, वो थाने में आएंगे और जो है उनसे इंटरोगेट किया जाएगा, तो उनको लड़के से कहाँ थे। ठीक है, देखिए इसको करिए, मतलब काफी दिन हो गया, देखिए बताइए मुझे फिर कल तक। बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम तक हो जाएगा वैसे तो। ठीक है। ठीक। हेलो, हाँ अवनीश जी, रश्मि बोल रही हूँ। जी रश्मि जी, हाँ नोटिस चली गई क्या उन लोगों को? हाँ वो ऐसा है मैडम, मैंने ऐसे तो सारे बात की थी, उनका एड्रेस मंगा के। हेलो, हाँ हाँ बताइए। अच्छा तो सर से डिस्कस हुआ था मेरा आपके मैटर में, उनकी ओनरशिप मंगाई थी। अच्छा। तो सर कह रहे थे कि भाई वो जो है ना कोर्ट से उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई कराएंगे आप उनको एड्रेस दे दीजिए, उनके खिलाफ कोर्ट में एप्लीकेशन लगा लेंगे मैडम। क्यों कोर्ट में? ये एक एनसीआर, इसमें एनसीआर होता है, ये इसमें कोर्ट के आदेश से कार्रवाई की जाती है मैडम। क्यों? मैंने तो एफआईआर लगाने बोला था ना मैडम। बाकी डिस्कस आप एसएसओ साहब से कर लीजिएगा, मैं आपको ओनरशिप दे देता हूँ। नहीं मुझे एक बात बताओ, मैंने तो एफआईआर बोला था आपको, तो फिर आप एनसीआर क्यों किए? जो आपके स्टेटमेंट के अनुसार की गई है उसमें एसएसओ सर ने बताया कि इसमें एनसीआर होती है। अच्छा। जो आपको उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करा दी थी। तो ये एसएचओ, ये एसएचओ साहब ने कहा था कि इसमें एफआईआर नहीं होगी और एनसीआर होगी, ये एसएचओ साहब ने कहा था। स्टेटमेंट जो आपके अकॉर्डिंग तो उस पर ही एसएचओ साहब ने कहा था इससे एफआईआर नहीं होगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है अपने एसएचओ साहब का यहाँ के? योगेश मल्होत्रा। योगी, जिनसे मैं मिली थी। हाँ जी हाँ जी, मल्होत्रा जी। तो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको सुनवाया कि जब हेड कांस्टेबल साहब से जो पीड़िता है, जो महिला पत्रकार है हमारी रश्मि, लगातार संपर्क साध रही थी, तो किस तरह से बरगलाया जा रहा था। जरा सोचिए कि एक लड़की जो कि रोजमर्रा की तरह अपने कॉलेज जा रही है या कहीं नौकरी करने जा रही है या किसी के घर में काम करने जा रही है, वो सड़क पर निकल रही है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो कानून के पास गुहार लगाने के लिए पहुंचती है, तो उसे अलग अलग तरीके से कानूनी पैतरों में फंसाया जाता है। कोई हिम्मत कर पाएगा क्या? आप मनोबल इतना गिरा देते हैं। इन सब बातों के बाद जब एसएचओ साहब से पीड़िता ने बात की तो सुनिए जरा साहब ने क्या कहा। हेलो, जी योगेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं रश्मि अग्रवाल बात कर रही हूँ सुदर्शन न्यूज से, और मैं आपसे मिली भी थी, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा ऐसा है सर कि मैं 5 तारीख से लेकर टिल डेट तक जो हेड कांस्टेबल है अविनाश जी, उनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, तो इतने दिन वो यही कह रहे थे मुझसे कि एड्रेस आ जाता है, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम एक नोटिस भेजेंगे उनको और उसके बाद उन्हें थाने में बुला के कार्रवाई की जाएगी। टिल डेट तक वो यही कह रहे थे। जो आपको पहले दिन उसने वो दे दिया था एनसीआर? जी हाँ, एनसीआर नेक्स्ट डे मिली थी मुझे। हाँ वो दे दिया था ना? जी हाँ, वो चेक किया और उसको मैंने कहा था आपको एड्रेस भी प्रोवाइड कर देगा। नहीं ऐसा जो भी था। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, अभी मैं सुनिए, अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। ठीक है, आप बातें कर लीजिएगा, मैं 1 घंटे बात करूँ। देखिए एक पीड़िता जो गुहार लगा रही है उसकी बात सुनने से ज्यादा साहब के लिए मीटिंग जरूरी है। ठीक है, आपको बहुत सारे काम है, आपको कानून व्यवस्था का खास ख्याल रखना होता होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का ख्याल रखा कहाँ जा रहा है? ये सुनिए जरा, कृपया कुछ देर बाद पुनः प्रयास करें। बार बार फोन को काट रहे हैं एसएचओ साहब, जानकारी और हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे। एक बार फिर से मैं कहूंगी हमारी टीम से फोन लगाएं, संपर्क करें और हमारे दर्शक सुने जरा। ये देखिए
दोबारा से फोन काटा, फोन एंगेज कर दिया। अब साहब मीटिंग में बिजी हैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और जिस चरमराहट की शिकायत सुदर्शन न्यूज की पत्रकार कर रही है, उसे सुनने को साहब तैयार भी नहीं है। इसी से सवाल खड़ा होता है कि खजूरी खास इलाके में लड़कियां सुरक्षित कब होंगी और कब पुलिस प्रशासन सही से काम करेगा। लापरवाही तो अक्सर दिल्ली पुलिस की सामने आती रहती है, लेकिन अब हद हो गई है। किस तरह से आप पैतरेबाजी में पीड़िताओं को फंसाते होंगे, आज ये सुदर्शन न्यूज के कैमरे में कैद हो गया है। दिल्ली में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बार बार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं एसएचओ साहब और हेड कांस्टेबल साहब से, योगेश मल्होत्रा जी जो कि एसएचओ हैं खजूरी खास थाने के, वो फोन नहीं उठा रहे हैं और हेड कांस्टेबल साहब तो इतना डर गए सुदर्शन के सवालों से कि उन्होंने फोन बंद कर दिया है। अब जनता जवाब क्यों ना मांगे, जनता क्यों ना पूछे कि आप जो तनख्वाह लेते हैं कानून की रक्षा करने की, समाज को सुरक्षा देने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, वो कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, क्यों महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? अगर कोई पीड़िता है तो खुद जाए कोर्ट, वो खुद करे भागदौड़, लेकिन हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बैठे रहेंगे और फोन उठाने तक भी जहमत नहीं उठाएंगे।